अप्रैल रविवार को गढ़वा के अंतर्राज्यीय बस स्टैंड पर 7 लावारिस बैग मिला था, जिसके बाद बस कर्मी और यात्रियों के बीच हड़कंप देखने को मिला था। इस बात की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर बम निरोधक दस्ते द्वारा जांच किया गया, जिसमें 7 बैग में नशीला पदार्थ बरामद किया गया, जिसकी कीमत लाखों में बताई जा रही है। एसडीपीओ अवध यादव ने बताया कि नशे के इस बड़े खेप को इस अंतर्राज्यीय बस स्टैंड से बाहर भेजे जाने की योजना थी, लेकिन पुलिसिया दबिश के कारण नशे के कारोबारी सफल नहीं हो पाए। पुलिस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है। पूर्वा गढ़वा से 6 बैग और एक झोला बरामद किया गया। वो 6 बैग और एक झोला वहाँ लावारिस अवस्था में पाया गया था, जो कि बड़ा काफ़ी संदिग्ध परिस्थिति में पाया गया। सबसे पहले उसे बॉम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड से जांच कराया गया। जब पता चला कि इसमें कोई विस्फोटक सामग्री नहीं है, तो फिर उसको खोल कर देखा गया, तो उसमें कुछ भूसी। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के दायरे में विपक्ष का सरकार विरोधी अभियान भी आ गया है। दरअसल कोरोना के कारण टीएसपी जिलों का दौरा करने वाले थे, जो फिलहाल टल गया है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस का प्रखंडों में धरना और प्रदर्शन कार्यक्रम भी स्थगित किया गया है। राज्य के दोनों मुख्य विपक्षी दलों ने, आरजेडी और कांग्रेस ने, अपने जिला और प्रखंड कमेटियों को कोरोना प्रोटोकॉल को देखते हुए किसी भी तरह के कार्यक्रम अगले आदेश तक नहीं करने का निर्देश दे दिया है।